नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आप सबका हमारे YouTube चैनल में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे वैदिक जानकारी के विषय में जिसके ऊपर कई संत महात्मा बात करते हैं, और वह यह है कि एक समय की बात है, प्राचीन समय में भगवान जगन्नाथ के दर्शन जो भी व्यक्ति करते थे उन व्यक्ति को वैकुंठ लोक एवं आध्यात्मिक लोकों की बड़ा ही सुलभ तरीके से प्राप्ति हो जाती थी। अब चाहे वह पापी व्यक्ति हों, दुराचारी व्यक्ति हों, या जीवन भर पाप कर्म को ही किए हों, इस प्रकार से मित्रों यमराज के दृष्टि में यह बहुत बड़ी समस्या बन गई। वे भगवान जगन्नाथ के पक्ष में प्रकट हुए और भगवान जगन्नाथ की स्तुति करने लगे एवं उनसे प्रार्थना करने लगे कि भगवान, आपने कलयुग में इस रूप को धारण करके सब संत भक्तों के उद्धार के लिए धारण किया है, और इसके कारण यहाँ पर जीवन भर पाप करने वाले दुराचारी पापी व्यक्ति भी आकर अपना उद्धार कर लेते हैं। वे जीवन भर तो पाप करते हैं, विभिन्न प्रकार के पाप करने के बाद भी वे केवल अंत समय में आकर आपके जगन्नाथ धाम में आपके इस श्री विग्रह और माता सुभद्रा एवं भगवान बलराम के दर्शन करके मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान कोई ऐसा उपाय करें, क्योंकि इस प्रकार से तो हर पापी व्यक्ति आपके इस वैकुंठ स्वरूप श्री जगन्नाथ धाम के दर्शन कर मुक्ति को प्राप्त कर लेगा, फिर व्यक्ति पाप कर्म करेगा तो भगवान जगन्नाथ को यमराज बताते हैं कि ऐसा करते हैं, जो भी व्यक्ति भगवान जगन्नाथ के धाम में आएगा और वह दर्शन करके निकलने पर तीसरी सीढ़ी पर पैर रखेगा, जो कि जगन्नाथ मंदिर में स्थित है, उस तीसरी सीढ़ी पर पैर रखते ही व्यक्ति के सारे दर्शन करने के पुण्य एवं संचित पुण्य कर्म वहीं पर सीढ़ी में ही प्राप्त हो जाएंगे, और जब वह व्यक्ति दर्शन करके बाहर निकलेगा तो उसके जीवन के शेष जितने भी पाप कर्म किए रहेंगे, पुण्य कर्म किए रहेंगे, उतना ही उसको लगेगा, अर्थात कि दर्शन करने के सारे फल उस सीढ़ी में ही चले जाएंगे। और ऐसा यमराज को भगवान जगन्नाथ वरदान देते हैं और कहते हैं कि ठीक है, जो भी भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं, अगर उनमें से कोई भी भक्त तीसरी सीढ़ी पर पैर रखते हैं तो उनके दर्शन करने के सभी पुण्य आप ग्रहण कर लीजिएगा। इस प्रकार से मित्रों यह जानकारी बहुत भक्तों को नहीं पता होती है, जो कि एक वैदिक जानकारी है और परंपरागत जानकारी है, जगन्नाथपुरी के संतों द्वारा बताया जाता है, और इस वैदिक जानकारी को आप अधिक से अधिक मित्रों तक पहुंचाकर पुण्य के लाभ ही हों, क्योंकि कोई भी भक्त जगन्नाथपुरी में दर्शन करने जाता है तो वह इस बात का ध्यान रखे। फिर मित्रों प्रश्न उठता है कि व्यक्ति किस प्रकार से ध्यान रखे, तो व्यक्ति को देखना चाहिए अन्य सीढ़ियों के मुकाबले जगन्नाथ मंदिर में तीसरी सीढ़ी कुछ अलग तरीके की दिखती है एवं कुछ अलग तरीके से बनाई गई है, इसलिए व्यक्ति को दर्शन करके आने के बाद इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि वह इस तीसरी सीढ़ी पर पैर न रखे। तो आशा करते हैं मित्रों कि आज का हमारे द्वारा यह बनाया गया वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही दिव्य जानकारी हम चैनल के माध्यम से निरंतर लाते रहते हैं। धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।